दुख आए उद्विग्न नहीं होना, बेचैन नहीं होना, व्याकुल नहीं होना, और सुख आए तृष्णा न भर जाए इतनी, रात दिन वही सपने देखते बेचैन होते घूम रहे हैं। वीतराग भय क्रोध राग रहित हो जाए, मतलब तुम्हारी जो अटैचमेंट चीजों में है, जो मैंने आपसे कहा था ना कि राक्षस के प्राण बसे थे तोते में, तो आप भी सोचिए आपके प्राण कहां बसे हुए हैं। अगर आपके प्राण किसी वस्तु में बसे हुए हैं और उसका नुकसान हो जाए तो फिर आदमी सिर पकड़ के बैठ जाता है इस दुनिया में। यहाँ आदमी पाएगा भी खोएगा भी, हार भी जीत भी, ये तो चलेगी, लेकिन अपने आप को इतना कमजोर मत बनाओ कि वस्तु के साथ आप भी टूट जाएं। वस्तु टूट जाए टूट जाए, लेकिन खुद को टूटने मत देना, बस इतना मजबूत अपने आप को बनाना है। आगे फिर कहते हैं वीत राग भय क्रोध, तो राग वीत हो जाए, बीत जाए, हट जाए, जीत लिया जाए, भय भय को जीत लिया जाए। पूरी दुनिया में राज करता भय, डर राज कर रहा है, शासन के डंडे का राज सब जगह चलता है, डर भी डंडे का है, कानून का डर है, कानून दंड प्रक्रिया। अब वो जो दंड वाली प्रक्रिया है, सजा वाली प्रक्रिया है, वो डंडा, तो पशु नाच रहा है डंडे के कारण, बंदर नाचता है ना, तो बंदर जब नाचता है तो आपने देखा होगा, आजकल तो प्रतिबंध लग गया है, पहले तो आपने खूब बंदर को नाचते हुए देखा, अब तो सर्कस में भी प्रतिबंध है, पशु पक्षियों से वो कार्य नहीं कराए जाते, लेकिन कराने वाला कैसे कराता था, डंडे के बल पर। आपने देखा होगा ना, बंदर वाला बंदर को, बंदरिया को लेके बैठा है, तो उसके बाद वो दिखाता है कि वो हाथ में डुगडुगी लेके बजाएगा और साथ में कहेगा बंदर से कि तुम्हारी मदर ने, माँ ने पानी मांगा, उठो, वो उठता ही नहीं। फिर उसके बाद वो कहता, अच्छा तुम्हारी पत्नी ने पानी मांगा है, तो फटाफट अपने सिर पे टोपी लगाता है और गिलास लेकर आता है, पानी देने के लिए जाता है। अब बंदर को कुछ पता नहीं क्या कहा जा रहा है, उसे तो ये पता है जब ये डंडा ऐसे हिलाएगा तो उठ जाना है, जब ऐसे करेगा तो उठना नहीं, उसे कुछ नहीं पता, ये तो बोलने वाला बंदर वाला बोल रहा है, उसे तो सिर्फ डंडे का पता है। इस दुनिया को अगर बंदर की तरह कोई नचा रहा है तो सिर्फ डंडा नचा रहा है, ये याद रख लेना, सिर्फ डंडा नचा रहा है, डंडा अपनी जगह काम कर रहा है, और डंडा है डर, डर नचा रहा है इंसान को। लेकिन ये जो डर है ये बहुत भयंकर चीज है, चिंता इसी के कारण आती है, निराशा इसी के कारण आती है। आप जो चिंतित होते हैं भविष्य के डर को ध्यान में रखकर, आज जो प्रभाव आता है उसके कारण चिंता जागती है, और चिंता ज्यादा बढ़ गई तो आप जीना मुश्किल हो जाता है। तो एक चीज याद करनी है, ये डर जीतना है तो अपने अंदर से, पहले तो इसकी ताकत को आप समझ ही गए हैं कि डर दुनिया में बहुत बड़ी चीज है, डर के कारण लोग इकट्ठे किए जाते हैं, जाति बिरादरी में नेता लोग डर पैदा करते हैं, तुम्हारी जाति पर संकट, तुम्हारे मजहब पर संकट, तुम्हारे कुल पर संकट, इकट्ठे हो जाओ, हो गए इकट्ठे, एक बिरादरी वाले दूसरे बिरादरी वाले आमने सामने लड़ने को तैयार, और हर एक जाति का कोई ना कोई लीडर बना बैठा, हर एक वर्ग का कोई लीडर बना बैठा है, और हर एक स्थान के लीडर बन गए हैं। फिर वो लोग जो है आपस में समझौते करते हैं, हाथ मिलाते हैं, मेरे पास इतने वोट। कभी आपने मोची को देखा होगा, जब वो बैठा हुआ होता है ना पॉलिश वालिश करने के लिए, जूते ठीक करने के लिए, वो कभी ये नहीं देखता कितने आदमी इधर गए कितने आदमी इधर गए, वो सिर्फ ये देखता कितने जूते इधर गए कितने जूते इधर आए, उसका ध्यान जूते पे ही होता है। नेता को भी यही ध्यान होता है, इतने वोट इधर गए इतने वोट इधर, वो आदमी नहीं देखता, वोट है क्या, वोट है तो फिर उसको लगता है यहाँ कीमती चीज है,
और जहां दिखाई देता है वोट वोट नहीं, भीड़ ही भीड़ है, कोई फायदा नहीं है, वहां जाने को भी तैयार नहीं होगा। तो आप जरा समझ करके देखिए कि यह दुनिया आपको किस तरह से देख रही है, किस तरह से आपको समझ रही है। इस दुनिया को जब आप ठीक ढंग से समझ जाते हैं तो फिर आपको ये समझ में आएगा कि कुछ लोग हैं जो बिरादरी के नाम पर आपको इकट्ठा करेंगे, डराएंगे। डर करके आदमी इकट्ठा होता है। हमारे देश पर संकट है, हमारे मजहब पर संकट है, हमारे धर्म पर संकट है, हमारी जाति पर संकट है, खड़े हो जाओ, नारा बुलंद कर लो, लड़ने मरने को तैयार है आदमी। कृष्ण भगवान यह समझाना चाह रहे हैं कि जिस दिन आप अपने डर पर काबू पा लेते हैं उस दिन आपको जीना आ जाता है, उस दिन आप सिर उठा करके इस दुनिया में खुशियां मना पाते हैं। और जब तक आपकी जिंदगी में डर ही डर है तब तक तो आप जीते जरूर हैं, लेकिन ऐसे जैसे मुर्दा सांस ले रहा हो। अब उपाय क्या है, लंबी चौड़ी बात न करके सार में बात करना चाहता हूं कि डर तो हर एक की जिंदगी में है। तो आपको एक काम करना पड़ेगा सभी को, जो चीज डराती है सबसे पहले उसी की तरफ चलो, क्योंकि हमारी सबकी आदत यह है जो चीज हमें डराती है हम उससे भागते हैं, वहां से मुंह मोड़ लेते हैं, उधर देखना भी नहीं चाहते, वो बात सुनना भी नहीं चाहते। आपको पहले इतना प्रबल होना पड़ेगा कि जो चीज डराती है उसकी आंख में आंख डाल के देखना शुरू करो, उसकी तरफ चलना शुरू करो। जो बहुत डरावनी और भयंकर दिखाई दे रही थी वो छोटी होनी शुरू हो जाएगी, और जब आप सामना करने लगोगे वो दुम दबा करके भागेगी और आप सामने देखोगे कि आप जिससे डर रहे थे वो तो कुछ था ही नहीं। दुनिया के सारे डरों में कहा जाता 80% तो झूठे ही होते हैं और 20% में 10% वो होते हैं जिनका सामना कर लिया जाए तो वो खत्म हो जाते हैं। 10% ही ऐसे डर हैं जो वास्तविक होते हैं, पर उसका भी समाधान हो सकता है, पर डर करके नहीं। और खास बात जो आपको पकड़नी है, कायरता से कायरता जागती है और साहस से साहस जागता है। जब आप कायरता अपनाते हैं तो डर सिर पर बैठता है, और जिस समय आप वीर बनते हैं, साहसी बनते हैं, तो उसके साथ ही डर भागता है, हिम्मत बढ़ती है। और जितना जितना आप साहसी होते जाते हैं उतनी बहादुरी आपके अंदर आती चली जाती है। एक अकेला बहादुर हजारों को बचा ले जाता है और एक अकेला कायर हजारों को मरवा देता है। इसको दिमाग में घुमाना जो भी मैंने बोला, ये चीज है जो रिपीट करेंगे आप अपने दिमाग में, कई बार दोहराइए। साहस से साहस पैदा होगा, कायरता से कायरता, डर का सामना करना सीखिए, डर की तरफ चलना सीखिए। डर भागेगा जरूर, और जब डर को जीतना शुरू कर दोगे, छोटे छोटे डर जीतना शुरू करिए, आप बड़े डरों को भी जीत लेंगे। और जो बड़े डरों को जीत लेता है निडर बन जाता है, कहते हैं जीना आ जाता है उसे, और ऐसे लोगों को देखकर दूसरों को भी जिंदगी मिलती है। कई महिलाएं बेचारी पिट रही होती हैं घर में, और 60-65 की हो गई, उसके बाद आके कहती हैं हम पोते पोतियों वाले हो गए, ये अब भी हमको मारते हैं, तो हम कब तक पिटेंगे? तो हमसे कई बार पूछ लेते हैं, अभी हम कब तक पिटने वाले हैं, आप कुछ बता सकते हैं क्या? मैंने कहा अभी तो चलेगा। नहीं नहीं ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा जब आपको पिटने की आदत पड़ गई, उन्हें पीटने की आदत पड़ गई। जिस दिन आप रोकने के लिए आगे बढ़ जाते, नहीं मेरे पोते पोती भी आगे नहीं आते, मेरा बेटा भी आगे नहीं आता, बहू भी नहीं आगे आता, मैंने कहा जब आपका हाथ ही आगे नहीं आता तो फिर कोई भी आगे आएगा ही नहीं। जिस दिन आप कहोगे इंसानों की तरफ बात करो, मारपीट छोड़िए। याद रख लीजिए जो मैं कहने लगा हूं, दूसरों को बताया करो कि आपके साथ कैसे पेश आए, ध्यान देना, दूसरों को बताया करो कि कैसे आपके साथ पेश आए। अपना सम्मान खुद कराना सीखोगे तो सारी दुनिया सम्मान करेगी, अगर आपको सम्मान कराना नहीं आता तो दुनिया सम्मान करेगी ही नहीं,
फ्री में सम्मान नहीं मिला करता, इसके काबिल बनना है और कराओ अपना सम्मान। अब वो बेचारी मेरे से बोली, अब तो मैं कुछ झगड़ा भी नहीं कर सकती। मैंने कहा तो अभी तो मैंने कहा था ना अभी चलेगा, क्या करूं। मैंने कहा अंदर जिस दिन मजबूत कर लिया उसी दिन ये खत्म हो जाएगा। आप सोच सकते हैं, हम अंदर से कमजोर बने बैठे हैं और जब आप सामना करते हैं, नहीं शुरू शुरू में जब इन्होंने हाथ उठाया था तो उसके बाद इन्होंने माफी वाफी भी मांगी थी, फिर उसके बाद में फिर ऐसे ही हो गया, फिर डबल माफी मांगी, फिर इन्होंने माफी मांगनी छोड़ दी। एक बार पहला पैग लगाकर घर में कोई आए, विरोध करने वाले अगर बनोगे तो दोबारा पैग लगाकर नहीं आएगा, नहीं तो आदत पड़ जाएगी और आपके घर में वही बार बनेगा। ये याद रख लीजिए, आपको विरोध करना आना चाहिए, विरोध करना आएगा तभी ठीक होगा। हाँ अगर आदत पड़ गई फिर विरोध करने लगोगे तो घर टूटेगा आपका। अगर आदत पड़ गई 10-5 साल हो गए तो तरीका यही है, या तो ट्रीटमेंट कराओ हॉस्पिटल में ले जाकर, झगड़ा करने से फिर वो छूटेगा नहीं, फिर तो रिश्ता ही टूट जाएगा। समझदारी बहुत जरूरी है। तो सार में मैं आपसे कहना चाहता हूं, डरों का सामना करना सीखिए, अपने अंदर से शक्ति लाइए। इसी रूप में क्रोध कहा गया, अपने क्रोध को अपने अंदर से शांत करने का आपको प्रशिक्षण लेना है। गुस्सा तो आएगा और बचपन से ही आता है, उसे शांत करने का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। घर के लोग भी मदद करें और खुद को भी करना चाहिए। देखिए कितना सुंदर उदाहरण है कि व्यास ऋषि ने जैसे महाभारत ग्रंथ में और गीता को संकलन करने में बहुत बड़ा कार्य किया, ऐसे वाल्मीकि ऋषि ने राम जी की कथा को प्रस्तुत करने में बहुत बड़ा कार्य किया। तो लिख रहे हैं वाल्मीकि कि वो जिनके अंदर ये वातावरण प्रभावित नहीं करता, बाहर का वातावरण, दुख का वातावरण, सुख का वातावरण, कैसे होते हैं, भगवान का रूप ही होते हैं वैसे इंसान। लेकिन अगर भगवान का अवतार सामने हो उसका रूप क्या होगा। तो उन्होंने लिखा, वाल्मीकि के ही शब्द हैं, आहुतस्य अभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोऽप्या आकार विभ्रम। वाल्मीकि कह रहे हैं कि मैंने अपने राम को देखा है, जब उन्हें निमंत्रण दिया गया कि राम जी आओ, सिंहासन पर बैठने का समय हो गया, वशिष्ठ ऋषि देख रहे हैं, वाल्मीकि उस भाव को लिख रहे हैं। वशिष्ठ देख रहे हैं जिन्होंने निमंत्रण दिया कि मांगलिक समय है, ये आओ राज सिंहासन पर बैठने का समय हो गया, निमंत्रण भेजा गया। राम जी के चेहरे को ध्यान से देखा वशिष्ठ ने और इस बात को लिख रहे हैं वाल्मीकि। देख रहे हैं कि राम जी को बुलाया गया है कि अब सिंहासन पर बैठने का, राज्य आरूढ़ होने का समय हो गया, आ रहे हैं राम जी। तो वो मुस्कान, वो चेहरे के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज होती है ना, बता देती है कि आदमी क्या महसूस कर रहा है। तो देख रहे हैं चेहरे को, हाव भाव को, चलते फिरते रूप को, कि राम जी उसी मुस्कान में आ रहे हैं। आगे फिर वो कहते हैं वशिष्ठ कि मैंने फिर दोबारा भी देखा उनको जब वो वन जा रहे हैं, विसृष्टस्य वनाय च, जब तैयार होकर निकलने लगे हैं वन के लिए, तब भी मैंने उनको देखा है। न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोपि आकार विभ्रमः, थोड़ा सा भी चेहरे पर मैंने उस प्रभाव को नहीं देखा कि राज्य मिल रहा था और अब वन के लिए 14 साल के लिए देश निकाला दिया जा रहा है, सब छूट रहा है, अपनों से
अपने देश से, अपनी प्रजा से, अपने रिश्तों से विदाई की घड़ी में और वन के भयंकर वातावरण में रहने की स्थिति को सामने देखकर भी चेहरे पर, मन में, अंदर कुछ तो खलबली होगी कि मैंने राम जी के रूप को देखा। वही मुस्कान, वही भाव, कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे दुनिया का राज मिले या छूट जाए। कहते हैं ये है वो स्थिति जिसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है कि दुनिया में घटनाएं घटती रहेंगी, तुम्हारे आनंद में कभी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम झोंपड़ी में रहो या महल में रहो। यही जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। अभी जो 500 साल पहले तुलसीदास जी ने राम जी की स्तुति की कि मैं राम जी के उस रूप की स्तुति करना चाहता हूँ, कौन से रूप की? प्रसन्नताया प्रसन्नताम यान गता अभिषेकस्तथा न ममले वनवास दुखत मुखाम्बुज श्री रघुनंदस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। संत तुलसीदास जी स्तुति करते हुए ये कहते हैं कि जो राम जी का चेहरा अभिषेक के समय प्रसन्नता से भरा हुआ था, वही प्रसन्नता से भरा हुआ चेहरा तब भी था जब वो वन में जा रहे थे, ऐसी शोभा वाले राम जी के मुखमंडल का दर्शन करते हुए मैं आशीर्वाद मांगता हूँ कि मेरे जीवन में भी वो कृपा कर दें, चाहे सुख आए या दुख आए, मैं हमेशा इसी तरह से प्रसन्न रहूँ। मेरे राम मुझ पर ये कृपा करो, मैं प्रसन्नता में, आनंद में भरा रहूँ, चाहे जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए, मेरे अंदर में कोई प्रभाव ना आए, और अगर प्रभाव आए तो आपकी कृपा का, आपके प्रेम का आए, आपका आशीष मेरे सिर पर हमेशा बना रहे। और यही प्रार्थना हमें भी करनी चाहिए। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया कि जिन्होंने अपने क्रोध को जीत लिया, भय के ऊपर उठ गए, और जो आसक्ति से रहित हैं, सुख आने पर बहुत फूल नहीं जाते और दुख आने पर घबरा नहीं जाते, ऐसे लोग स्थिर बुद्धि वाले कहलाते हैं, और वे लोग हैं जिन्होंने परमात्मा का अमृत रस चखा है, जो ध्यान में बैठने वाले लोग हैं, जो भक्ति में बैठने वाले लोग हैं। देखिए एक बात ध्यान रख लेना आप लोग, चाहे आप जाप करते हैं या कीर्तन करते हैं, जाप करते करते आपका ध्यान लग जाना चाहिए, कीर्तन करते करते आपका मन खो जाना चाहिए, भजन करते करते आप अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे, पूजा करते करते आपको अपना आपा याद न रहे, तो वो जो स्थिति होती है उसी को ध्यान कहा जाता है। और वो जो ध्यान लगना है वही कृपा पाने का रास्ता है। बस अपना मन इस तरह टिकाना सीख जाइए, कृपा होगी, निश्चित रूप से होगी, रस आएगा, फलो फूलोगे। दूसरी बात आपको जो ध्यान देनी चाहिए वो ये है, चलता फिरता तीर्थ और मंदिर गुरु को कहा जाता है। अगर आपका ध्यान पूरा पूरा गुरु में है और गुरु के वचनों में है, तो बीच बीच में अगर कुछ भी शंका आ जाएगी वो आपको हिलने नहीं देंगी, क्योंकि गुरु की कृपा आपके साथ जुड़ी रहेगी।